चाहिए, थोड़ी सी पिसी हुई इलायची, मेवे जो भी अवेलेबल हो, आधा कप पिसी हुई चीनी, अगर मक्खन हो तो मक्खन ले लें 2 टीस्पून, लेकिन मैं आज यूज़ कर रही हूँ ऑयल 2 टीस्पून, और 2 टीस्पून सिरका जिसे मैंने हाफ पानी में मिक्स कर लिया, हाफ कप पानी में। डायरेक्ट हम सिरका इसलिए यूज़ नहीं करेंगे, इससे हमारा दूध खट्टा हो जाएगा। चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी अब हमने 1 किलो दूध ये पैन में डाल दिया, इसे कंटिन्यूसली हिलाते जाना ताकि लम्स ना बने। अब हम इसमें ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया है, तो जो हमने ऑयल लिया था वो ऐड करेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये ऑयल जो हमने इसमें डाला है ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इतना मिक्स करना है कि ऑयल और दूध बिल्कुल साथ मिल जाए, अलग ऑयल अलग नज़र ना हो। अगर बटर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, आप बटर यूज़ कर सकते हैं। ये देखें दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं। हर नए काम की शुरुआत मीठे से करते हैं, इसी तरह आज मैं अपने YouTube चैनल की फर्स्ट वीडियो बर्फी केक से स्टार्ट कर रही हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो देखिए अब हमारा ऑयल बिल्कुल मिक्स हो गया दूध के साथ, अब हम इसे छोड़ देंगे। बॉयल हो गया है, अब हम इसकी कर देंगे हीट को, और इसमें अब हम सिरका जो हमने पानी में मिलाया था उसे ऐड करेंगे। हम इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम सारा नहीं डालेंगे वरना हमारा जो खोया है वो अच्छी तरह नहीं बनेगा। Thank you.
तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। टैप करके निकाल लेंगे। ये इतना ऑयली होता है क्योंकि हमने इसमें वो ऑयल डाला है, हमें किसी ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए कितनी प्यारी शेप बनी है। इसके ऊपर ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर सकते हैं, इसे आप मिनी केक भी कह सकते हैं। किसी भी तरह के सांचे में बच्चों को बहुत पसंद आता है और ये घर की चीज़ों से बनता है। आप इजीली आराम से कुछ समझ में आए स्वीट डिश तो ये वाली स्वीट डिश बना सकते हैं। रेसिपी ट्राई करके फीडबैक जरूर दें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।